हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नेचर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट फाइबर यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कॉटन और सिल्क को पढ़ लिया था। फिर से बता दूं, इसके नोट्स, इस चैप्टर के नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन में होंगे। पूरे चैप्टर के नोट्स किसमें होंगे? चैप्टर लेक्चर नंबर 5 के डिस्क्रिप्शन में। एक साथ चार मतलब कंबाइंड नोट्स रहेंगे एक ही पीडीएफ के अंदर, वो लेक्चर नंबर 5 के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे तुम्हें, ठीक है ना। फिलहाल जितना पढ़ाता जा रहा हूं उसके नोट्स इसके नीचे नीचे में डालता जाऊंगा। क्लियर है? ओके, चले। वूल, वूल मतलब ऊन, सब लोग जानते हैं कहां से आती है, भेड़ों से आती है ना, भेड़, भेड़। चलो देखते हैं वूल सिनोनिम। अब भेड़ के बारे में ज्यादा कुछ तो क्या कहना जानते हो, सब लोग देखा ही हुआ, सब लोगों ने भेड़ों को ना। तो आओ देखें जरा क्या बातें होती हैं थोड़ी सी यहां पर, और कर लें जरा इन बातों को भी। सिनोनिम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीप वूल बोल सकते हैं, फ्लीस बोल सकते हैं, या यार्न बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? वूल कंसिस्ट ऑफ द हेयर्स, बाल होते हैं किसके? फ्लीस ऑफ द शीप, ठीक है। ओविस एरिस लिन, ये इसका क्या आ गया? बायोलॉजिकल नेम आ गया, फैमिली बोविडी, ठीक है, सोर्स आ गया इसका। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की अगर हम बात करें तो क्या क्या मिलेगा इसके अंदर हमको? वूल मेनली कंसिस्ट ऑफ सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन, अगेन ये क्या है इसके अंदर? प्रोटीन। सिल्क के अंदर भी क्या था? प्रोटीन था, हमने पढ़ा था, ठीक है ना। इसके अंदर सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन है कॉल्ड कैराटीन, है ना, क्योंकि हेयर होते हैं ना, हमारे बालों में भी कैराटीन पाया जाता है। कैराटीन इज कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड लाइक सिस्टीन, उसके अंदर मेनली क्या पाया जाता है? सिस्टीन नाम का अमीनो एसिड पाया जाता है। क्लियर है? ऑर्गेनोलेप्टिक फिजिकल प्रॉपर्टी या डिस्क्रिप्शन की इसकी हम बात करें, वूल इज जनरली क्रीमी वाइट, क्रीमी वाइट होता है कलर देखने में। सम ऑफ ब्रीड्स ऑफ शीप नेचुरली प्रोड्यूस ब्लैक, ब्राउन, आल्सो कॉल्ड मुरीद एंड ग्रे कलर, तो ठीक है, ये याद ना रहे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है वैसे तो जनरली क्रीमी वाइट होता है, लेकिन कुछ शीप, कुछ प्रजातियां शीप की ऐसी भी हैं जो काला, भूरा, ब्राउन और ग्रे कलर के क्या है, हेयर्स को पैदा करती हैं। तो वूल इज स्मूथ, काफी सॉफ्ट होता है, इलास्टिक, खिंचाव आ सकता है, स्लिपरी होता है, चिकना होता है टच करने पर, एंड स्लाइटली कर, घुमावदार रहता है, ठीक है ना। डायमीटर ऑफ वूल्स वेरीज फ्रॉम 15 माइक्रोमीटर सुपर फाइन मेरिनो, यानी एक वैरायटी है मेरिनो जिसका डायमीटर कितना होता है 15 माइक्रोमीटर टू 30 से 40 माइक्रोमीटर। द फाइनर द डायमीटर द ग्रेटर इज इट्स वैल्यू, जितना ज्यादा फाइन डायमीटर होगा उतना अच्छा वूल कहलाता है ना। हम लोग देखते हैं ना, कुछ वूल कपड़े आते हैं सस्ते हैं, कुछ कपड़े महंगे होते हैं, तो उसमें यही है, इसका अंतर आता है, ठीक है। आगे देखें जरा, वूल इज सॉल्युबल इन वार्म अल्कलाइन सॉल्यूशन, वार्म अल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्युबल है बट नॉट इन डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड। वार्म अल्कलाइन सॉल्यूशन में तो अल्कलाइन मतलब बेसिक, बट नॉट इन डाइल्यूट और स्ट्रॉन्ग एसिड, डाइल्यूट और स्ट्रॉन्ग एसिड में ये सॉल्युबल नहीं है। क्लियर है? चले आगे। फिर कह रहा है ज्योग्राफिकल सोर्स, द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वूल, ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करें सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला वूल कौन है? ऑस्ट्रेलिया 25%, चाइना एंड न्यूजीलैंड 11%, वाइल्ड टर्की, ईरान, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट, टेक्सास, न्यू मैक्सिको कंट्रोल 2%, ये लगभग कितना 2% है। तो इसको चाहो तो एक सीक्वेंस में याद कर लेना, ऑस्ट्रेलिया 25%, चाइना न्यूजीलैंड 11%, ईरान इंडिया यूनाइटेड स्टेट अमेरिका कितना है 2% है, इसका ज्योग्राफिकल सोर्स आ जाएगा। बात करें इसके प्रिपरेशन की, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो तुम लोगों ने कई सारे इसके वीडियोस शायद मेरी समझ से देख रखे होंगे, वीडियोस देखे नहीं देखे, चलो नहीं देखा तो कोई बात नहीं। शिप होता ना ऐसे, जो जैसे हमारे बालों की मशीन होती है वो लगा करके शिप के सारे बाल निकाल लिए जाते हैं, है ना। वूल इज फाइबर, फाइबर है डराइव्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ एनिमल, जानवरों के हेयर से तैयार किया जाता है, ऑफ कैप्रियने, कैप्रीने फैमिली, ठीक है ना। फैमिली का नाम क्या है? कैप्रीने, मेनली शीप्स एंड गोट। अच्छा यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, मैं यहाँ कैप्रीने लिख रहा हूं और शायद यहां हमने लिखा हुआ है बोविडे, तो बोविडे फैमिली और कैप्रीने उसी की सब फैमिली है, ठीक है ना, तो परेशान नहीं होना, मेन फैमिली हमारी बोविडे रहेगी। क्लियर है? चले आगे। ठीक है,
तो ये क्यों लिख दिया है, कई बार ऐसा ना कि अब तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन अंदर से कई बार हो सकता है आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज प्रोड्यूस्ड एज द आउटर कोट ऑफ शिप, शिप के सबसे ऊपर की कोट होती है, ठीक है ना। द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम डोमेस्टिक शिप हैज टू क्वालिटीज, जो पालतू शिप होती है उसमें जो फाइबर निकलता है वो दो क्वालिटी के होते हैं, ठीक है, विच डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम हेयर और फर, ठीक है ना। तो दो क्वालिटी के फाइबर होते हैं जो उसे डिफरेंशिएट करती है हेयर और या फर से। द फाइबर्स हैव स्केल्स, फाइबर्स के पास क्या होते हैं, स्केल्स विच ओवरलैप लाइक शिंगल्स ऑन रूफ, ठीक है। आप देखो जब बात करते हैं यहाँ पर दो क्वालिटी के होते हैं, ठीक है, फाइबर दो क्वालिटी के हो गए। फाइबर्स हैव स्केल्स, फाइबर्स के ऊपर स्केल्स एक तरह की ना चमड़ी टाइप की चढ़ी हुई सी रहती है। ओवरलैप लाइक ए शिंगल, जैसे कि तुमने देखा ना कुछ छत्ते होती है जिसके ऊपर खपरेल एक के ऊपर एक चढ़ा के रखते हैं, उस टाइप से उसको शिंगल्स कहते हैं, खपरेल, देखा है, ऐसे करके एक के ऊपर एक, इसके ऊपर ये, फिर इसके ऊपर ये, फिर इसके ऊपर ये, ठीक है। तो शिंगल्स ऑन ए रूफ, जैसे कि छत पे ऐसे खपरेल पे खपरेल रहती है, उस टाइप से ये स्केल्स जो होती है उनके ऊपर चढ़ी हुई रहती है। एंड इट इज क्रिम्प्ड, क्रिम्प्ड मतलब खुंगराला टाइप का, गोल 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 घुमा हुआ रहता है। द अमाउंट ऑफ क्रिम्प, जो घुमावदार है, घूमना है उसके अंदर जो घुमा हुआ बाल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द फाइननेस ऑफ द वूल, वूल जितना पतला होगा उतना ज्यादा क्रिम्प्ड होगा, उतना ज्यादा गोल घुमावदार होगा, ठीक है। एंड द फाइन वूल लाइक मेरिनो हैव अप टू 100 क्रिम्प्स पर इंच, वेयर एज कोर्सर वूल, थोड़ा सा रफ वूल जो होगा लाइक काराकुल हैव 1 or 2 क्रिम्प्स पर इंच, एक इंच पे 102 क्रिम्प पाए जाएंगे। इसमें क्या है, 100 क्रिम्प्स यानी बहुत ज्यादा गोल 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 घुमा हुआ रहता है, कौन सा, मेरिनो वाला, अच्छी क्वालिटी मानी जाती है, क्लियर है। आगे आते हैं, द हेयर फ्रॉम शिप्स आर रिमूव ड्यूरिंग शेयरिंग टाइम, शेयरिंग टाइम मतलब वही ट्रिमर लगाया गर्र, ठीक है, फिर बाल निकाल दिए। आफ्टर शेयरिंग द वूल इज सेपरेटेड इनटू 5 मेन कैटेगरी, उसका उसको 5 कैटेगरी में तोड़ लिया जाता है, फ्लीस, पीसेस, बेलीस और क्रचिंग्स एंड लॉक्स, ठीक है ना, जिस हिसाब से उसके टुकड़े और जो शेप्स और लेंथ वगैरह होती है उसके हिसाब से हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं 5 कैटेगरी में। इट इज देन क्लीन, उसे क्लीन किया जाता है फ्रॉम डर्ट एंड हाई लेवल ऑफ ग्रीस, है ना, बाल होते हैं ना बाल में चिकनापन सा रहता है, तो वो ग्रीस और डर्ट वहां से हटा दिया जाता है, ग्रीसी वूल जो कहा जाता है, विच कंटेन वैल्यूएबल लैनोलिन, ठीक है ना। तो जो ग्रीस होता है जिसके अंदर की क्या पाया जाता है, लैनोलिन केमिकल पाया जाता है, इज प्रेजेंट ऑन द हेयर, उसको हटा दिया जाता है। द ग्रीस इज जनरली रिमूव फ्रॉम प्रोसेसिंग बाय स्कोरिंग, ग्रीस चिकनापन कैसे हटाया जाता है, स्कोरिंग विद, स्कोर मतलब किसी को रफ रफ करके हटा देना, ठीक है, उसके लिए वर्ड स्कोरिंग हो गया है, स्कोरिंग विद डिटर्जेंट एंड अल्कली, डिटर्जेंट और अल्कली का इस्तेमाल करते हुए, बेस का इस्तेमाल करते हुए हम लोग उस ग्रीस को हटा देते हैं। द वूल इज देन ट्रीटेड विद हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, इससे हम लोग इसको क्या करते हैं, ट्रीट करवाते हैं फॉर ब्लीचिंग, है ना, ब्लीच करवा देते हैं, ठीक। इट इज देन वॉश्ड प्रॉपरली एंड स्प्रेडेड ऑन वायर, धो धुला के उसको तारों पर ऐसे फैला देते हैं, स्प्रेड मतलब फैलाना, ऑन वायर, नेटिंग जो जालीदार तार होते हैं उनके ऊपर, एंड ड्राइड अंडर हॉट एयर, अब नीचे से हवा पास करते हैं, ऊपर से हवा पास करें गरम गरम ताकि वो सूख जाए, क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बनके तैयार हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इसके यूजेस, इट इज यूज्ड एज फिल्टरिंग, फिल्टर करने के लिए, एंड स्ट्रेनिंग मीडियम, है ना, क्या करते हैं ऐसे कोई चीज के अंदर फंसा कर निचोड़ने के लिए, एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथिंग और कारपेटिंग फेल्ट। इट इज ऑल्सो यूज एज यूज टू एब्जॉर्ब ऑर्डर्स एंड नॉइज इन हैवी मशीन्स एंड स्टीरियो स्पीकर्स, ठीक है। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं जो हमको यहाँ पढ़ने थे इसके। तो वूल हमने देखा कि किस तरीके से शिप के अंदर से निकाली जाती है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर समझने के लिए नहीं था, केवल इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, केमिकल कॉन्स्टेंट जो था इसमें खास करके, ठीक है ना, और बाकी चीज़ें सिंपल हैं, ट्रिम करके निकाल दिया, फिर से कैटेगराइज कर लिया वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वूल वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है तुम्हारे लिए, कॉटन और सिल्क वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसके बाद वाला जो पार्ट होगा रीजनरेटेड फाइबर वाला, क्लियर है बातें, बात समझ में आई। तो क्या करना है, पढ़ना है और रिवाइज करना है, क्लियर, ऑल द बेस्ट।